तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SQL सर्वर फॉर MI सपोर्ट ऑटोमेशन। और लास्ट क्लासेस में हमने SQL के बारे में बताया कि SQL क्या है। SQL एक डेटाबेस सर्वर है जिसमें हम रिलेटिव डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। SQL को हम पूरा बोलते हैं, ठीक है। SQL की क्वेरी होती है वो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है और कई सारे उसके कैटेगरीज है जैसे डेटाबेस की, जैसे कि DDL डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज है, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसके बाद आपका एक DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। तो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम इसको समझेंगे, ठीक है सर। ओके ठीक। तो सबसे पहले हमने आपको इसमें आप बात करते हैं SQL सर्वर, जब मैंने ओपन कर लिया SQL सर्वर में क्या ओपन करना है आपको, SQL सर्वर मैनेजमेंट करना, समझे। ओके अब यहाँ पे SQL मैनेजमेंट स्टूडियो होता है वो आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ये आपको करना है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है SQL सर्वर डेटाबेस, एक होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट। 2017 जो आपने डाउनलोड किया था तो उसमें आपको मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं मिल रहा था, इसे हमारी जिक्र हुई थी ना। तो मैनेजमेंट स्टूडियो आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ये इंटरफेस होता है इसलिए यूज होता है, अदरवाइज हम इसका, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि हम इसका यूज बैकएंड के रूप में करते हैं, तो डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी और बाकी चीजें जो है हम .NET और बाकी चीजों से करते हैं, लेकिन हम डेटाबेस को डायरेक्टली भी उसको हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए। तो ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ये आपका इंटरफेस होता है। तो देखिए मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पास SQL सर्वर 2017 है, लेकिन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18 है हमारा, क्योंकि मैंने इसको अलग से डाउनलोड किया है। मैं आपको बता समझा देता हूँ, जब आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाएंगे, एक बार मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए थोड़े रेट में आपका अनइंस्टॉल हो गया उस समय आपको काम आ जाएगा। ओके आपका SQL सर्वर एक्सप्रेस हमने मान लीजिए डाउनलोड किया, एक्सप्रेस वाला फ्री है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनल साइट से हमें डाउनलोड करेंगे, ऐसे 49,000 का पड़ता है SQL सर्वर, समझे। तो इसमें 49,000 का, हाँ आपने देखा नहीं प्राइस, प्राइसेशन जो होती है 49,000 रुपये की, ठीक है ना। ठीक है, मांगे हैं थोड़ा सा। तो इसको हमने लिया और जब हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने में यहाँ आपके एडिशन है, ये आपका SQL सर्वर एक्सप्रेस है, SQL सर्वर एक्सप्रेस भी एडवांस सर्विसेज है, SQL सर्वर एक्सप्रेस भी लोकल डीबी है, ठीक है। मतलब बस ये काम वो ये एडवांस थोड़े फीचर ज्यादा है, इसे एडवांस में अलग होगा। एडवांस सर्विसेज में क्या है कुछ और नए सर्विसेज ऐड हो जाते हैं, लेकिन पेबल है ना। अच्छा ठीक है ना, लोकल डीबी करते हैं तो ये आपका छोटा सा डेटाबेस होता है वो इसके लिए यूज होता है, थोड़ा डेटा कंप्लीट डेटाबेस नहीं। यहाँ पे डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं क्या होता है। ओके देखिए यहाँ पे ये आपका यार है, यूज द एक्सप्रेस डेटाबेस सर्वर इंक्लूड द डेटाबेस इंजन फीचर्स ideal for when you need to accept the remote connection or administer remotely and level up for free. दिख रहा है आपको ये? सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखिए क्या है, get the more feature with the express additions including the database and reporting services and full search download free from when you join and visual ये है visual studio web assistant है, इसका यूज होता है .NET वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसके साथ यूज होता है। ओके अब यहाँ पे देखिए क्या है कि enable the SQL server into the application with the local DB lightweight version for the express editions available the free and option when you downloading SQL server 2007 express, ये आपका lightweight होता है, इसमें सिंपल सी बात है क्योंकि ये आपका 65 MB का होता है,
ये आपका 700 कुछ एमबी का होता है, तो जाहिर सी बात जी तो एडवांस इसमें सेटअप जीबी भी होता है। हाँ इसके बाद एडवांस वाला आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके इसके लिए विजुअल स्टूडियो जो डेवलपर असेसमेंट उनके लिए है। ये आपके तो जो डॉट नेट यूज करते हो और हम जो यूज कर रहे हैं उसमें मतलब डिफरेंस क्या हुआ क्या किसके लिए? जैसे जो डॉट नेट वगैरह यूज करते हैं तो डॉट नेट में उनका फ्रंट एंड अलग होता है, वो एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं ना सर। अच्छा, आपने सेलेक्ट क्यूरी डायरेक्ट जाके मैंने स्टूडियो में लगा दिया, वो सेलेक्ट क्यूरी यहाँ नहीं लगाएंगे, वो सेलेक्ट क्यूरी एक इनका एक वेबसाइट होगा वहां पे लगाएंगे। ओके समझ गए ना? हाँ हाँ समझ। यूजर को क्यूरी नहीं लिखना, यूजर को जस्ट वहां पे आप कंट्रोल एक्सेल में आप सर्च करते हो ना, फिल्टर करते हो, तो फिल्टर हाँ, क्या है, वही तो है सेलेक्ट क्यूरी। तो अगर आपको एक अलग डेटाबेस में चाहिए वहां पर मैं लिख के एंटर मार दिया तो वही चीज आएगी। ओके अभी वो डाउनलोड अगर आप करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद तो मैं डाउनलोड दिखाता हूँ, ये आया देखा एसक्यूएल सर्वर 64, ये आपका बिट होता है, 64 बिट में ही आता है, इससे कम बिट में नहीं आया। ओके ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो प्रॉब्लम इसमें क्या होगा कि इसके साथ आपका मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं आया। ओके ये इसमें आपको क्या आएगा अगर आप इसको ऐप में देखें तो यहाँ इसमें आपको एरर एसक्यूएल सर्वर, एरर यूजर, कॉन्फ़िगरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, ये चीज आएगा, आपका डेटाबेस पूरा आ जाएगा लेकिन इसका स्टूडियो नहीं है। तो स्टूडियो अलग से आप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, 2017 जो है अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है आपको HSPMS सेटअप ओके आप HS मतलब SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आपको। तो जब भी डाउनलोड करेंगे दो करेंगे, एक अपना सर्वर डाउनलोड करेंगे, एक आपका स्टूडियो डाउनलोड। ये आपको 2007 से ही ऐसा लगा है कि अलग अलग हो जाता है, बट आप 2014 करते हो, 2012 करते हो, 2 करते हो तो उनके साथ उसका स्टूडियो आता है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट साइट पे नहीं मिलता है, वो अलग और साइट पे मिल जाएगा जो कंबाइन होता है, उसमें मैनेजमेंट स्टूडियो और दोनों इंक्लूड होते हैं, एक बार इंस्टॉल करने पे सब हो जाता है। ओके ठीक है, नहीं मैंने 2012 किया था उसमें तो आ गया था। क्या बोला? मैंने 2012 किया था उसमें तो आ गया था मैनेजमेंट स्टूडियो भी। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपके मतलब की माइक्रोसॉफ्ट साइट से अगर लेते हैं वो तो दिक्कत होता है, तो यहाँ पर दोनों इकट्ठे आपको मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाता है। ओके मैं आपको बता दिया, जो आप आपने जैसे इंस्टॉल करेंगे तो मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं आता है, अलग अलग पैकेज होता है, जो आपका साइज जो होगा देखिएगा जो आपने किया है उसका साइज तकरीबन 1 GB के आसपास होगा। 5 GB है ना, 1 GB 300 MB 1300 MB का। हाँ तो यहाँ पे देखिए इसका साइज क्या है, 727 MB है, इसका 540 MB है, दोनों मिलकर 1 GB बन ना गया, 1.2 GB होना गया सर। तो यही जो कंबाइन होगा। ओके समझ गया ना? समझ गया। तो स्टूडियो आपका इंटरफेस होता है जिससे डेटाबेस को कनेक्टिविटी ट्रिगर या कुछ भी करना होता है आप करते हैं। ओके अब मैं डेटाबेस को यहाँ पे ओपन किया, अब मुझे कौन सा सर्वर चाहिए। मैनेजमेंट स्टूडियो से एक और फायदा होता है कि यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सर्वर रख सकते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस इंजन में गया तो मेरे पास दो सर्वर, एक है एक्सक्यूएल और दूसरा है IPTDL। ठीक है तो IPTDL को हम लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक कनेक्ट हो गया, बट ये नया है, इसमें कुछ बना नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इसको मैन्युअली भी ग्राफिकली हम इसको डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस में गए, राइट क्लिक किए, न्यू डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस ले लिया, यहाँ पे मैंने जी डेटा ग्राफिक डेटा ग्राफिकल क्रिएट किया है, जी डेटा कर दिया।
ऑनर डिफॉल्ट रहेगा, बना ऑनर भी सेट कर सकते हैं, अगर एक से ज्यादा बनाना है तो ऐड कर दीजिए और फिर वो बनाइए, अदरवाइज ओके कर। अब इसी जो हमने बनाया, ये तो हमने डेटाबेस बनाया किसकी मदद से, ग्राफिकल इंटरफेस की मदद से, लेकिन अगर यही चीज आपको क्यूरी से बनाना है, क्योंकि अगर आप एक्सेल से आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल में बटन बनाऊं, उस पर क्लिक करते हैं, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो, एक्सेल के अंदर में वीबीए प्रोग्रामिंग में कोडिंग लिखनी पड़ेगी आपको एसक्यूएल सर्वर की, वो कैसे लिखेंगे हम आगे क्लासेस में बताएंगे, फिलहाल आप देखिए कि हम क्यूरी के जरिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, मैंने एम डेटा करना है, एम ठीक है, ठीक है। अब मैं इस क्यूरी को एक्सक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैसेज देखे दिख रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया, इसका मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दिखे तब जब इसको एक बार रिफ्रेश करें, आ गया एम डेटा। अब इसमें हम जो है टेबल भी बना लिया, तो हमने डेटाबेस बना लिया, अब डेटाबेस के अंदर में हम टेबल बनाने जा रहे हैं, तो सर डेटाबेस दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं और क्वेरी से भी। हाँ, क्वेरी से भी। ओके ठीक है, कल मैं बताऊंगा इसको, हम कल की क्लास में सुनाऊंगा कि वीवीए के पूरे बटन में क्लिक करें आपका डेटाबेस बन जाए, क्लिक करें आपका टेबल बन जाए, अभी आपको नॉर्मल बता दो ताकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वीवीए में आपको समझ आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल, जैसे मैंने बताया था कि मैनुअल टेबल बनाने के लिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको न्यू इसे क्लिक करना पड़ेगा, प्लस टेबल पे करना पड़ेगा, टेबल पे राइट क्लिक न्यू टेबल। और यहाँ पे जैसे मैं छोटा सा बना देता हूँ कि नेम इनका रोल नंबर इंट कर देता हूँ मैं, इंट और सिटी वो भी इनका कर दिया, और इसको हम यहाँ पे सेव कर टेबल वन। अब यहाँ पे आप देखेंगे टेबल्स पे स्पिन करता हूँ, टेबल वन बन गया। अब इसी टेबल को मैं तो ये डीबीओ डॉट क्या होता है, ये क्या ये डीबीओ डॉट लिखा हुआ है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ओके ओके, अब हम इसको टेबल को, अब इसी चीज को मैं क्यूरी से करता हूं। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल सा क्रिएट, क्रिएट का मान होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम हम दे देते हैं मान लीजिए एसटी, एसटी कहाँ, तो हमने डेटाबेस का नाम दे देते हैं यहाँ पे एम डेटा डॉट एसटी, और इसमें मुझे ब्रैकेट ओपन करना है नीचे, और टेबल के नेम क्या है, जैसे हमने दिया नेम
स्पेस इंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं, दूसरा आ जाता है हमारा सिटी, माफ कीजिएगा नेम इंट नहीं, नेम तो अति होगा ना आपको, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, सी एच ए कैप, और यहाँ पे 50 10 भी देना है, दे दीजिए। और नल नहीं करना है तो नॉट नल करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सिटी और सेम वी वेर कैप, और इसमें 50, और उसके बाद नहीं, इसमें हमने रोल नंबर नहीं डाला ना, रोल इंट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर, और एक सेमीकोलन से हमारा क्वेरी क्लोज। अब इसको एक बार एक्सक्लूड करते हैं, एरर आ गया, रोल में है कि इनकरेक्ट सेंटेंस रोल। ओके, तो इसमें हाँ मैम, हमने कॉमा नहीं दिया, कि एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पे, देखिए कॉमा देना, ठीक है ना, इसलिए नहीं किए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये हमारा इसमें सर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता, ये मतलब रिफ्रेश करना हर बार जरूरी हो जाता है, हो जाता है, लेकिन टाइम से टाइम लगता है। अच्छा, कमांड किए थे लेकिन कहाँ पे किए थे भैया, तो हमने क्या किया डेटाबेस में, हमने डेटाबेस में जस्ट एम डेटा, हमने एक छोटी सी गलती कर रहे थे कि हम डीबीओ नहीं ले रहे थे। अब क्या बोले सर आपने गलती कैसे कर दी, बेसिकली क्या है कि मैं यूज करता था अभी तक 2014 ओके, और सडनली मैंने यूज किया 2017 और 18, तो वर्जन में थोड़े बहुत चेंजिंग हुए हैं, चेंजिंग मुझे अब पता चला, मतलब 14 में लिखना नहीं पड़ता है, डीबीओ नहीं लिखना पड़ता, ओके। और आपको ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपके पास एक ही डेटाबेस है ना, वो भी आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, समझ गए। तो क्रिएट हमने आपके सामने, अब इसमें अब हमने यहाँ पे बताया आपको कि वेर कैर है, इंट है, यहाँ पे वेर कैर है, इसको एक बार जानना जरूरी है कि ये आखिर होता क्या है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप, ये इसमें ही नहीं, ये आपके इसमें क्या बोलते हैं वीवी में भी हमारा ये आता है, इसको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। डेटा टाइप्स मतलब हुआ कि ये जो आपने डी कह दिया, हमने आपको बताया था उस समय कि उस टेबल उस इसमें सिस्टम में उस टेबल में जो नेम का फील्ड है इसमें वो कैर होगा, वेरिएंट कैर होगा, जिसकी यहाँ पे लेंथ जो है 50 हो, ओके। इसमें और भी बहुत सारे इसके ये है टाइप्स है, तो आज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, कल हम आपको जो है इसको हम वीवी के जरिए ट्रिगर करना सिखाएंगे,
और साथ में हम आपको सिखाएंगे डेटा टाइप के सारे लिंक बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है, ताकि हम आगे टेबल्स में इंसर्ट क्यूरी वगैरह लिखे, और इंसर्ट क्यूरी करने के बाद फिर हम बात करेंगे सिलेक्ट क्यूरी, क्योंकि सिलेक्ट क्यूरी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारा, ठीक है।